तहसील पुलिस ने सरकारी अनाज की कालाबाजारी के एक मामले का पर्दाफाश कर तीन आरोपियों को धर दबोचा है। पकड़े गए आरोपियों में अभय पुंडलिक जागनाथ बुधवारी, अकबर खान इब्राहिम खान बंगाली पंजा और तीसरा आरोपी तनवीर शेख शब्बीर शेख शांतिनगर निवासी का समावेश है। इन आरोपियों से पुलिस ने तीन तिपहिया वाहन मालवाहक गाड़ियां, सरकारी अनाज सहित करीब 4,07,740 रुपए का माल बरामद किया है। तहसील पुलिस ने सरकारी अनाज की कालाबाजारी के एक मामले का पर्दाफाश कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में अभय पुंडलिक डायरे जागनाथ बुधवारी, अकबर खान इब्राहिम खान बंगाली पंचा और तनवीर शेख शब्बीर शेख शांतिनगर निवासी का समावेश है। आपको बता दें कि तहसील पुलिस की टीम पेट्रोलिंग पर थी और इसी दौरान एक दुपहिया क्रमांक MH49Y6754 पर तीन बोरी संदिग्ध अवस्था में ले जाते हुए आरोपी अभय पुलिस के हाथ लग गया। जब उसे बोरी के बारे में पूछा गया तो उसने कोई समाधानकारक उत्तर नहीं दिया, जिसके बाद पुलिस उसे अपने साथ पुलिस थाने लेकर गई और पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि इन बोरियों में सरकारी अनाज का चावल है, जिसे वह बस्ती में घूम घूम कर बेचा करता था, जिसके बाद पुलिस ने उसके शांतिनगर स्थित गोदाम में छापा मार कर तीन पहिया मालवाहक गाड़ियां, सरकारी अनाज सहित करीब 4,07,740 रुपयों का माल जब्त किया है। आरोपियों ने पूछताछ में इस माल को यशोधरा नगर निवासी कैफ नामक आरोपी को पहुंचाने की बात स्वीकार की है, जिसकी भी तलाश पुलिस कर रही है। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।